डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर, इट्स पार्ट एंड फंक्शंस ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर एंड द टर्म्स रिलेटेड टू फ्लावर लाइक पेरियांथ एंड द डिफरेंस बिटवीन सेपल्स एंड कैलिक्स, पेटल्स एंड कोरोला, एंड्रोशियम एंड स्टैमन एंड ऑल्सो पिस्टिल एंड गाइनोशियम। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इस इमेज में आपको दिखाया गया है एक फ्लावर। अब हम इस फ्लावर के सारे पार्ट्स को देखेंगे एक एक करके। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे फ्लावर क्या होता है। फ्लावर होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ ए प्लांट, जिसमें मेल और फीमेल ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। जो मेल और फीमेल ऑर्गन गैमेट को रिलीज करता है वो होता है फ्लावर। अब यहाँ पे पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर आर, फर्स्ट है पेटल्स, सेपल, स्टैमन, पिस्टिल, रिसेप्टेकल और थैलेमस एंड पेडिसल और स्टोक। राइट, लेट्स स्टार्ट विद पेटल्स। अब देखिए इस इमेज में ये क्या दिखाई, ये जैसे ये गुलाब का फूल है, इसमें ये रेड कलर की जो इसकी पंखुड़ियां होती हैं, और ये चाइना रोज जिसे हम हिबिस्कस कहते हैं, साइंटिफिक नेम होता है हिबिस्कस, इसमें आपको रेड कलर की ये पेटल्स दिख रही हैं जो पंखुड़ियां होती हैं। अब हम देखेंगे जो पेटल्स होता है वो होता है फ्लावर का थिन और सॉफ्ट पार्ट होता है। पेटल्स आर थिन सॉफ्ट कलर्ड पार्ट ऑफ अ फ्लावर दैट सराउंड्स द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर। जो पेटल्स होता है थिन और सॉफ्ट पार्ट होता है, कलर्ड पार्ट होता है फ्लावर का, जो किसके चारों तरफ प्रेजेंट होता है, जो उसके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। राइट, अब देखिए इस इमेज में जैसे ये है, ये देखिए ये सारे क्या है, ये फीमेल एंड मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट है, ये येलो एंड पेटल्स इन सबके चारों तरफ प्रेजेंट है। ठीक है, यानी कि फ्लावर का जो कलरफुल पार्ट होता है वो हो गया हमारा पेटल्स। अब हम देखते हैं कि जो पेटल्स होती है वो ब्राइट कलर की क्यों होती हैं। पेटल्स आर ब्राइट कलर्ड यूज टू अट्रैक्ट पोलिनेटर्स, क्योंकि ये पोलिनेटर्स को अट्रैक्ट करती हैं। और जब हम एक पेटल की बात करेंगे फ्लावर की, तो हम उसे सिंगल को पेटल कहेंगे, बट फ्लावर में जितनी भी पेटल्स प्रेजेंट होती हैं उसे हम कहते हैं कोरोला। ऑल द पेटल्स ऑफ अ फ्लावर कलेक्टिवली कॉल्ड कोरोला। यू कैन सी इन दिस इमेज, जब हम एक एक ही इसकी बात करेंगे तो ये हो गई हमारी पेटल, एंड जब हम इन 1, 2, 3, 4, 5 इन सब की बात करेंगे तो ये हो गया हमारा कोरोला। राइट, अब सेपल्स है नेक्स्ट पार्ट। सेपल्स प्रेजेंट होते हैं हमारे पेटल्स के नीचे, क्योंकि जो पेटल्स होती हैं वो इतनी सॉफ्ट होती हैं, उनको सपोर्ट के लिए कुछ चाहिए, तो सेपल्स प्रेजेंट होते हैं। और ये नॉर्मली ग्रीन कलर के होते हैं, और सेपल्स का फंक्शन होता है प्रोटेक्ट द फ्लावर इन बड कंडीशन। जब फ्लावर बड कंडीशन में होता है, पूरा डेवलप नहीं होता, तब जो सेपल्स हैं फ्लावर को प्रोटेक्ट करके रखती हैं। राइट, उसके चारों तरफ उसको एक बंद करके रख देती हैं ताकि वो प्रोटेक्ट रहे। ये ग्रीन जितना भी ये पार्ट है ये है हमारी सेपल्स। अब देखिए, जब यहाँ पे देखिए, ऑल द सेपल्स ऑफ अ फ्लावर कोलेक्टिवली कॉल्ड कैलिक्स। जब एक सेपल प्रेजेंट होगी तो हम उसे कहेंगे सेपल। जब जितने भी फ्लावर में सेपल्स प्रेजेंट हैं उन सबको एक साथ हम कहेंगे कैलिक्स। यू कैन सी इन दिस इमेज, ये जब हम एक की बात करेंगे, ये वाला ये हो गया हमारा सेपल, बट हम सब इन सब की इकट्ठे में बात करेंगे तो हम कहते हैं कैलिक्स। राइट, एंड द नेक्स्ट पार्ट इज कैलिक्स एंड कोरोला टुगेदर इन अ प्लांट कॉल्ड पेरियांथ। कैलिक्स एंड कोरोला को हम एक साथ जब प्लांट में क्या फ्लावर में कहेंगे तो क्या होगा, पेरियांथ। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे इस इमेज में दोबारा से दिखाऊंगी। जब ये हो गई हमारी कोरोला पार्ट, ये कैलिक्स, एंड इन दोनों को हम क्या कहेंगे, ये साथ में क्या है, पेरियांथ। ठीक है, अब देखेंगे हम मेल पार्ट ऑफ फ्लावर। जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का, उसमें क्या क्या होता है, एक तो फिलामेंट प्रेजेंट होती है, एक एंथर प्रेजेंट होती है। देखो इस इमेज में ये जो ये प्रेजेंट है, मैं कलर चेंज कर लेते हैं, देखिए ये जो ये लंबी सी स्टॉक प्रेजेंट है, ये तो है हमारी फिलामेंट, और इसके ऊपर एक ये गोल सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट अराउंड सा, ये होता है एंथर। जो स्टैमन होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को स्टैमन कहते हैं, उसमें एक फिलामेंट प्रेजेंट होती है और एक एंथर प्रेजेंट होता है। फिलामेंट होल्ड्स द एंथर अप फॉर द रीच ऑफ पोलिनेटर्स और फॉर विंड टू डिस्पर्स द पोलन ग्रेन्स।
फिलामेंट जो प्रेजेंट होती है, ये लंबे से स्टॉक, इसका फंक्शन होता है जो एंथर होता है उसको ऊपर की तरफ करके रखती है, ताकि जो जो भी हमारे पॉलिनेटर्स होंगे या कोई इंसेक्ट आएगा जिसको जो यहाँ से पोलन ग्रेन लेके जाएगा, ताकि उनके लिए इजी हो जाए, राइट। और जब वाइंड आएगी तो हवा चलेगी तो जल्दी से पोलन ग्रेन्स उड़ जाए और ज़्यादा अच्छे पोलिनेशन हो, इसलिए फिलामेंट एंथर को ऊपर की तरफ करके रखती है, राइट। एंड द नेक्स्ट पार्ट इज एंथर। एंथर क्या होता है, जो ये राउंड स्ट्रक्चर प्रेजेंट है हमारे फिलामेंट के ऊपर, ये होता है एंथर, प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ फिलामेंट। और ये क्या होता है, जो एंथर होता है कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। अब पोलन ग्रेन्स होते हैं मेल गैमेट्स, ठीक है। जब एंथर डिहाइस होता है यानी कि फूट जाता है, तो इसके अंदर से पोलन ग्रेन्स निकलते हैं। अब पोलन ग्रेन्स क्या होता है, पोलन ग्रेन्स आर मेल गैमेट्स। अब ऑल द स्टैमंस प्रेजेंट इन अ फ्लावर कलेक्टिवली कॉल्ड एंड्रोशियम। जो एक फ्लावर होता है उसमें एक स्टैमन भी प्रेजेंट हो सकता है और एक से ज्यादा भी प्रेजेंट हो सकता है। एक ये प्रेजेंट है, 1, 2, 3, 4, एंड ये एक पीछे प्रेजेंट है। इन सबको हम, ये सारे स्टैमंस को एक साथ हम कहेंगे एंड्रोशियम। अब नेक्स्ट हमारा फीमेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट का, उसे हम कहते हैं पिस्टिल। और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी। देखिए जो ये हमारा फ्लावर है, जो इसके बीच में ये प्रेजेंट है, ये लंबी सी स्टोक एंड नीचे ये ग्रीन पार्ट, ये स्वोलन सा, एंड इसके ऊपर एक ये राउंड पार्ट प्रेजेंट है, ये है हमारा पिस्टिल यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ फ्लावर। अब हम एक एक करके इन तीनों के फंक्शंस देखेंगे। स्टिग्मा जो प्रेजेंट होता है, स्टिग्मा एक जो बल्ब सा प्रेजेंट है, ये बल्ब प्रेजेंट है जो फ्लावर में, ये इसे हम कहते हैं स्टिग्मा। इसके ऊपर जो एंथर से पोलन ग्रेन रिलीज होते हैं वो आके गिरते हैं। स्टिग्मा स्टिकी बल्ब प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ अ फ्लावर अपॉन विच पोलन ग्रेन्स लैंड अप। एंड देन हमारा सेकेंड पार्ट होता है पिस्टिल का स्टाइल। स्टाइल जो एक लॉन्ग स्टॉक प्रेजेंट होती है, ये देखिए ये लॉन्ग स्टॉक जो प्रेजेंट है, ये इसे कहते हैं हम स्टाइल, ठीक है। अब इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है लॉन्ग सिलेंडर स्टॉक दैट कनेक्ट स्टिग्मा टू ओवरी, जो स्टिग्मा को ओवरी से कनेक्ट करती है, और पोलन ग्रेन इसी के थ्रू पास होते हैं ओवरी को। देखिए जैसे ये है हमारे स्टिग्मा स्टाइल, एंड देन एक स्वोलन बेस प्रेजेंट होता है ओवरी, ये क्या है स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा के ऊपर आके पोलन ग्रेन्स लैंड अप होंगे, देन स्टाइल के थ्रू ये पास होंगे ओवरी में। अब ओवरी क्या होता है, एनलार्ज बेसल पोर्शन प्रेजेंट एट द बेस दैट कंटेन ओव्यूल्स। यहाँ पे जो एनलार्ज पोर्शन प्रेजेंट है, ये एनलार्ज, ये बेसल स्वॉलन सा पोर्शन प्रेजेंट है, इसके अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो होते हैं फीमेल गैमेट्स। दैट मीन्स हमारी जो पिस्टिल है उसके हो गए तीन पार्ट, स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, ओव्यूल्स प्रेजेंट होंगे, ऐसे काफी सारे ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो होते हैं फीमेल गैमेट, ओके। एंड जब एक फ्लावर के पास सिर्फ एक ही पिस्टिल प्रेजेंट होता है तो हम उसे पिस्टिल कहते हैं, और जितने भी या फिर जब एक से ज्यादा प्रेजेंट होंगे उन सब पिस्टल्स को हम क्या कहेंगे, गाइनोशियम, ठीक है, गाइनोशियम। ऑल द पिस्टल्स कलेक्टिवली कॉल्ड गाइनोशियम। एंड देन पेडिसल, नेक्स्ट पार्ट है पेडिसल। पेडिसल क्या होता है, स्टॉक ऑफ द फ्लावर, जिससे हम जो वो डंडी सी होती है नीचे जिससे हम फूल पकड़ के देते हैं उसे हम कहते हैं पेडिसल या स्टॉक ऑफ अ फ्लावर। देखिए इस इमेज में दिखाते हैं, ये जो हमारी ये जो स्टॉक है ये हो गई पेडिसल फ्लावर की, या फिर जो हम जिसे हम रोज पकड़ के देते हैं ये वाली, जो ये वाली स्टोक हो गई, ये हो गई पेडिसल ऑफ अ फ्लावर। एंड नेक्स्ट पार्ट होता है हमारा थैलेमस, ऑल्सो कॉल्ड रिसेप्टेकल, रिसेप्टेकल भी कहते हैं, और इसके ऊपर होते हैं ऑल द पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर आर अरेंज्ड ऑन दिस स्वोलन पार्ट। ये एक स्वोलन सा पार्ट होता है जिसके ऊपर सारे पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं फ्लावर के। मैं आपको इमेज में दिखा देती हूँ, यहाँ पे देखिए ये जो स्वोलन सा पार्ट प्रेजेंट है,
ये है हमारा रिसेप्टेकल या फिर थैलेमस, जो ये स्टॉक प्रेजेंट है, ये जिसे हम फ्लावर को पकड़ के देते हैं वो हो गए स्टॉक या फिर पेडिसल। एंड जो ये येलो ब्राइट कलर होती हैं, ये हो गई हमारी पेटल्स, क्योंकि ये एक से ज़्यादा प्रेजेंट है तो हम क्या कह सकते हैं, कोरोला। ये ग्रीन पार्ट हो गया हमारा सेपल, जिसे हम कहते हैं कैलेक्स भी कहते हैं। एंड अब यहाँ पे हम देखेंगे, ये हो गया हमारा मेल पार्ट, ये हो गया मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये फिलामेंट, एंड दीज आर एंथर्स। एंथर्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, पॉलन ग्रेन्स। ये हो गया हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ओव्यूल्स। यू कैन सी द लेबलिंग हेयर, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी को हम क्या कहते हैं, पिस्टिल। जब एक फ्लावर में एक से ज़्यादा पिस्टिल प्रेजेंट होगी, गाइनोशियम कहेंगे, और जितने भी स्टैमन्स प्रेजेंट होंगे तब हम कहेंगे एंड्रोशियम पार्ट। एंथर और फिलामेंट हो गए स्टैमन, ये ब्राइट कलर पार्ट हो गई पेटल्स। ठीक है, अब मैं आपको एक लास्ट में ये इमेज दिखाती हूँ। देखिए, जो एक जो प्लांट होता है उसके ऊपर एक ब्रांच होती है, ठीक है, वो हमारी पेडिसल नहीं होती। जिस वो स्टॉक जिससे एक फ्लावर कनेक्ट होता है वो होती है हमारी पेडिसल। जैसे जब हम रोज तोड़ते हैं, उसकी एक पूरी बड़ी ब्रांच होती है, उसके उसके ऊपर एक छोटे छोटे ब्रांचेस पे वो लग रहा होता है, स्टॉक्स होती हैं जिसपे फ्लावर लग रहा होता है, वो होती है पेडिसल। और जिन फ्लावर्स के पास ये स्टॉक प्रेजेंट होती है उसे हम कहते हैं पेडिसलेट फ्लावर। जो जिनके पास ये पेडिसल नहीं होती उसे हम कहते हैं सिसाइल फ्लावर। तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर, पेटल्स, सेपल्स, स्टैमन, पिस्टिल, गाइनोशियम, एंड्रोशियम, कैलेक्स क्या होता है, कोरोला, पेरियांथ, ये सब पढ़ा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।